वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मैंने ना इस सिलसिले में आई हूँ, तकरीबन 6 साल हो गए मेरे मियाँ की डेथ हो गई, 7वां साल है। तो जब मेरे मियाँ की डेथ हुई तो हमारे 2 मकान थे, तो बच्चे माशाल्लाह मेरे बेटे भी 2 हैं, 2 बेटियाँ भी हैं। पखा नहीं चला दो, लेकिन अब ना कोई घर रहा है, ना कोई कारोबार रहा पंखा है, यार ना कोई गर्मी चीज़ लगी है। बहुत ज़्यादा टेंशन में है, नीचे ही नीचे जा रहे हैं, अब रेंट पे रह रहे हैं, कोई चीज़ भी नहीं है। पहले कारोबार भी था, मकान भी थे, अच्छा हर चीज़ बीबी, थी। ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश, हम समझेंगे। मैं सबको एक वजीफा बताने लगा हूँ, मेरा जाती। मेरे उस्ताद, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, बड़े क्राइसिस में था ना मैं, तो उन्होंने मुझे एक बड़ा मुजरब वजीफा है, इसको लोगों को भी बताओ। दुआएं, ये दुआ है ना, जुम्मे वाले दिन नमाज असर के बाद, जुम्मे वाले दिन नमाज असर के बाद, ये कोई भी कर सकता है, मर्द है औरत है, अपने नमाज के अज़कार करने के बाद 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, इतनी आवाज़ में कि आपके कान में आवाज़ आए। उसके बाद आपने 70 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है, आउज़ बिल्ला के साथ, आउज़ बिल्ला के बगैर नहीं पढ़नी, वो भी इतनी आवाज़ में पढ़ो कि आपके कान में आवाज़ आए। उसके बाद दोबारा आपने सूरह, ये अपना क्या नाम है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये जो रिज़क की दुआएं हैं, जैसे अल्लाहुम्माग़फिरनी बिहलालिका अन हरामिका वअग़निनी, या अल्लाहुम्मा अऊज़ुबिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि वअऊज़ुबिका मिनल अज़ली वल कदर, या अल्लाहुम्मा फ़ारिज अल हम्मि काशिफ अल ग़म्मि मुजीब अद-दावा, ये दुआएं हैं ना, किताबों में मौजूद हैं। ये करेंगी अल्लाह के फजल से, एक से दूसरा जुमा नहीं आएगा, आपका मामला ठीक हो जाना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा है जी, हारी के साथ एक बार पढ़ ले बिस्मिल्लाह, क्योंकि कुरान का असूल है कि जब आयत पढ़ी जाती है तो आउज़बिल्लाह के बगैर नहीं पढ़नी, जब सूरत पढ़नी है तोबा के अलावा। आपने बिस्मिल्लाह के बगैर सूरत, चाहे छोटी सूरत है, 10 बार पढ़नी है, हर बार आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगी, एक बार स्टार्ट में आउज़बिल्लाह पढ़ेंगी, क्योंकि कुरान कहता है फ़ाइज़ा क़रातल कुरान फ़स्तईज़ बिल्लाहि, जब भी तुम कुरान पढ़ने लगो तो क्या करो, पहले आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम पढ़ लिया करो। हम तो जब नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, सलाम फेरा, अल्लाहुम्मा अंत सलाम मिनक सलाम तबारक याला, ऐसे करके ना, जैसे बंदा बड़ो बड़ो करता है, फिर उसके बाद अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वाले, कोई असर नहीं करेगी। वही आयतुल कुर्सी 1000 बार पढ़ो, आउज़ बिल्लाह के बगैर नहीं असर करेगी। आउज़ बिल्लाह पढ़ के एक बार पढ़ोगे तो अल्लाह उसमें बरकत डालेगा, क्योंकि ये उसका कानून है, असूल है। आपको समझ आई, लिख लिया आपने, ये करके देखना, जायज कामों के लिए। ये मैं आपको बता दूं, ये ना अबे कि मैं इंज कर लवां तो इंज चली जाऊं, मैं कनेडा चली जावांगी, ऐसा नहीं करना। हमारी इबादतें सिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा, तू ही तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम करम करने वाला है।